भगवान से जो नाता है वो हमारा पहला नाता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। यदि वो छूट जाए तो यहाँ पे गड़बड़ होनी ही होनी है। पिताजी कहें ये मेरा लड़का है, वो लड़का बड़ा हो गया तो भिड़ंत होने लगी, पिताजी कहे तो ये कर, वो कहता है मैं वो करूँगा, तो फिर क्या करना है? गृहिणी आ गई तो वो तो और कुछ सिखाए, समाज के लोग हैं वो तो कहने लगे भाई ऐसे इतना ही किया तूने और कुछ कर, तो बेचारा पागल हो जाए सबके सुनते सुनते। तो फिर समाहित होना पड़ता है, मेरी क्या योग्यता है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। एक से पूछूं वो और कुछ बताए, दूसरे से पूछूं और कुछ बताए, मैं क्या करूं? तो आत्मबल जिसका नहीं है वो अच्छा काम नहीं कर सकता, वो हमेशा बोलेगा मैं क्या करूं, इसने बताया इसलिए मैंने किया, मैं क्या करूं, उन्होंने बताया इसलिए मैंने ये काम किया। अरे मूर्ख, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना। मेरी बुद्धि तो मैं अभी हार मान ली, तो बुद्धि को जागृत करना, आत्मबल बढ़ाना एक आध्यात्मिक साधना होती है। वहाँ पे हम भगवान के शरण जाते हैं, कहते हैं ये मेरे पिताजी हैं, उनके प्रति मैं कोई द्रोह न करूं, ये मेरे बच्चे हैं इनके प्रति मैं कोई कमी नहीं रखूं, ऐसे आप करना, मुझे शक्ति देना बुद्धि देना, समझ रहे हो? तो आपके जो दैनंदिन समस्याएं हैं, आपके जो नाते हैं रिश्ते हैं रिलेशनशिप जिम्मेदारियां हैं, वो भी यदि ठीक से संभालनी हो, उसमें भी एक आनंद प्राप्त करना हो, ये नहीं किए तो बंधन बन गया, साधना करनी पड़ेगी, आत्मबल जागृत करना ही पड़ेगा। और आत्मबल जागृत करना यानी भगवान से जो हमारा एक नाता है उसको पहचानना, नहीं तो हम दूसरे नातों में हमारा परिचय देके उसी में लुट गए।